हेलो दोस्तों, आप सबको मालूम है री स्टार्ट प्रॉब्लम, ऑटोमेटिक स्विच अप प्रॉब्लम कैसे रिपेयर होते हैं। लेकिन इस फ़ोन में जो बैटरी है, बैटरी में जो फ्यूज़ रहता है वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। आपको मालूम भी नहीं चलता है कि इसमें फ्यूज़ है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम देख लेते हैं, इसका प्रॉब्लम किस तरह हो रहा है। यहाँ पर देखो, मोबाइल ऑन हो रहा है, कभी कभी कम्प्लीट ऑन होता है, कभी कभार री स्टार्ट मारता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कॉल करने का टाइम स्विच अप हो रहा है, कैमरा ओपन करने के बाद स्विच ऑफ हो रहा है, म्यूजिक ऑन करने से स्विच ऑफ हो रहा है, गेम खेलने से स्विच ऑफ हो रहा है, और भी बहुत सारे कारण की वजह से स्विच ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, ये सेट अभी ऑन होने का टाइम हो गया है। यहाँ पे देखो ऑन हो गया है, और जैसे ऑन हुआ तुरंत स्विच ऑफ भी हो गया। तो इसमें इस तरह प्रॉब्लम हो रहा है, और इसका एक्चुअली प्रॉब्लम होता है बैटरी में। अगर आप चाहे तो बैटरी को चेंज करके मोबाइल को ठीक कर सकते हो, नहीं तो इसी बैटरी को आप रिपेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं कहाँ पे इसका फ्यूज़ रहता है, बैटरी का कौन सा पॉइंट पर, कौन सा एरिया में है ना। और ये आईटेल टेक्नो ज़्यादातर फ़ोन में इस तरह फ्यूज़ रहता है। यहाँ पे देखो, इसके जो सेल का जो पॉइंट है ना, यहाँ पे देखो अच्छे से, देखो आपको माइक्रोस्कोप में दिखाएगा अच्छे से। यहाँ पे देख लो, ये रहा, यहाँ पे देखो ये जो सेल का पॉइंट है इसी के अंदर रहता है फ्यूज़, सर्किट में कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसी के अंदर में है, और ये फ्यूज़ को बाहर निकल के फिर डायरेक्ट कर दो, आपका जो भी प्रॉब्लम है रिस्टार्ट का वो 100% सॉल्व होगा। यहाँ पे देखो,